कितने का है? ये 50 का है अंकल। दे दो। बच्चे का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है। मेरे पास इस टीचर का नंबर है, मैं इसे अभी कॉल करता हूँ। मास्टर साहब, आपसे मुझे बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, क्या आप मुझसे बाहर मिल सकते हैं? शुक्रिया मास्टर जी। साले, तूने मेरा डंडा चौपट कर दिया, आज के बाद इस मार्ग में दिखाई दिया ना तो तेरी खैर नहीं होगी। हट यहां से। अरे बेटा, तू कहां था? तुझे इतनी देर हो गई। बुखार चढ़ रहा है मुझे, तबीयत बहुत खराब है। तू कहां था इतनी देर से? माँ, मैं बाजार से आपके लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ खाने का सामान लेने गया था। पर बेटा, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तू कहाँ से लाया? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो माँ, तू मुझसे आंखें चुरा रहा है। मुझे पता है तूने कुछ किया है गलत। ये चोरी का सामान है क्या? बेटा मुझे बता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो, हमारे पास पैसे ना हो, पर कभी भी अपना जमीर नहीं बेचना है। तूने ये चोरी किया है, ये तू मेरे लिए लाया था ना? नहीं चाहिए मुझे तेरी ये सब चोरी की चीजें। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जो मैंने किया है वो मैं बता नहीं सकता। बस आप ये दवा खा लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेशक मैं बीमार रहती हूँ, हमारे हालात नहीं है ऐसे, पर अब मैं ये चीज तेरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने चोरी की। हाँ वकील साहब, बताइए किस लिए बुलाया था? हाँ मास्टर साहब, मैंने आपको बड़े ख़ास बात के लिए बुलाया था। वो आपके स्कूल में जो एक बच्चा आता है ना, उसे आप हर रोज़ सजा देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो बच्चा क्यों लेट आता है आपके स्कूल में। तो क्या आप मुझसे कल सुबह मंडी में मिल सकते हैं? ठीक है, मिलते हैं कल। कल सुबह 9 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि कल संडे भी है। ठीक है वकील साहब, आप बुलाएं और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? कल मिलते हैं मंडी में 9 बजे। अरे वकील साहब, आप आज हमारे यहाँ कैसे? वो आपके बच्चे से संबंधित कुछ मुझे बात करनी थी आपसे। मेरा बेटा? मुझे पता है उसने पक्का कुछ गलत काम किया होगा। प्लीज बहन जी, प्लीज आप ऐसा कुछ ना कहें। आप जानना चाहती हैं कि आपका बेटा क्या करता है?
तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ बहन जी, जैसा मैं कहता हूँ प्लीज वैसा करिए और आप मेरे साथ चलिए। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आपका बेटा आपके पीठ पीछे क्या करता है। बस जो मैं कहूंगा वो करना, जहां मैं ले चल रहा हूं आपको वहां चलिए और उसे प्लीज कुछ मत कहिएगा जब तक आप सारी बातें जान ना ले, प्लीज। अच्छा वकील साहब, आप हमारे भरोसेमंद हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जी बहन जी, आप इस कार्य में देर मत करिए, आइए मेरे साथ चलिए। वकील साहब मैं जरा तैयार हो लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं, चलिए। भैया ये गिलास ले लो। कितने का है चटू? 50 का एक। दे दे भाई एक। बहन जी ये रहा आपका बच्चा, मास्टर साहब ये रहा आपका विद्यार्थी। मैं यही दिखाना चाहता था कि आप लोगों के पीठ पीछे वो बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए काम करता है और अपना घर चलाता है और उसके साथ साथ वो अपनी शिक्षा को भी ग्रहण करता रहता है। ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं। मैं तो इस बच्चे से बहुत ज्यादा ही प्रेरित हूँ। कितनी बुरी माँ हूँ मैं, मैंने अपने बच्चे को अपने ही हाथों से मारा। वकील साहब मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, इसको जाने अनजाने में मैंने इसको मारा। इसकी परिस्थितियों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा हुआ है, ये तो देश का भविष्य है। सही कह रहे हैं मास्टर साहब, पर कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे पे तो हमें गर्व होना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बच्चों की वीडियोस सबको देखनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके, चाहे कैसी भी स्थिति में हो और वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। चलिए।